हेलो गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स हम इस वीडियो में सियासत हेड कॉन्स्टेबल के फिजिकल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स आपका फिजिकल किस प्रकार से होना है, ठीक है। और दोस्तों आप फिजिकल के लिए एलिजिबिलिटी है या नहीं है, ठीक है, आप उस फिजिकल के लिए फिट है या नहीं है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं आपका जैसे मैं ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं नेम ऑफ पोस्ट सियासत हेड कॉन्स्टेबल सिलेबस 2019। दोस्तों जो अभी हाल ही में आज के डेट में फॉर्म आए हैं, ठीक है, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, इसमें मैंने आपको इस फॉर्म्स के बारे में डिटेल्स बताई हैं कि आपका कितने फॉर्म आए कितने नहीं आए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम इस वीडियो में ओनली फिजिकल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फिर नीचे आ जाइए दोस्तों, आपको इसमें सिलेक्शन होना है, ठीक है। आपका फर्स्ट स्टेज में आपको सिलेक्शन होना है। सबसे पहले आपका PST होगा, डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। सबसे पहले आपका होगा फिजिकल, इसमें सेकंड नंबर पे आपका डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड नंबर आपका क्या कह रहे हैं, रिटन एग्जामिनेशन। दोस्तों सेकंड स्टेज में आपका पेपर होना है, ठीक है जी, रिटन एग्जाम CBT जिसे बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना आपका। और दोस्तों थर्ड ऑप्शन में आप देख रहे हैं स्किल टेस्ट, टाइपिंग राइटिंग टेस्ट। दोस्तों आपकी जो टाइपिंग स्पीड है आपकी अच्छी होनी चाहिए इसमें। दोस्तों अगर आपको टाइपिंग स्पीड नहीं आती है, टाइप नहीं मतलब आपको अगर टाइपिंग करने नहीं आता मुझे बता दीजिए, मैं टाइपिंग से रिलेटेड आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसमें आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आप ये मान लो कि एक महीने में आपकी टाइपिंग स्पीड 30+ हो जाएगी। आप मुझे बता देना कमेंट करके कि आपकी टाइपिंग स्पीड है या नहीं है अच्छी, ठीक है। और फ्रेंड्स आप देख रहे हैं फोर्थ स्टेज पे मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों फोर्थ स्टेज में आपका मेडिकल होना है और फाइव नंबर पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के करने के बाद तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ऑन द बेसिक मेरिट इन लिस्ट रिटन एग्जाम्स। दोस्तों जब पेपर होना है उसके हिसाब से आपको लास्ट में मेरिट बनेगी, ठीक है। आपका मेडिकल अगर पास करते हो आप तो आपका जो आपने एग्जाम दिया है आप जो इसमें एग्जाम दोगे फ्रेंड्स उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी इसमें, ठीक है। तो आपका यहाँ पे नाम आना बहुत जरूरी है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा इसमें। दोस्तों बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, PST के बारे में। जो भी फ्रेंड्स मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो मेल हैं जिनकी हाइट फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, जो भी मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो भी ST से हैं ऊपर देखिए ST, ठीक है, ST से जो और दोस्तों जो यहाँ पे चेस्ट मांगी गई है जो ST कैंडिडेट उनके लिए 76 से 81 आपकी चेस्ट होनी चाहिए जो भी ST से हैं, ठीक है। और जो भी अदर कास्ट से मतलब बिलोंग करते जैसे SC OBC जनरल, ठीक है, जो समथिंग जो कास्ट आती है दोस्तों उन सारी सब कास्टों के लिए ये अलग से में हाइट दी गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और दोस्तों जो भी अदर कास्ट से हैं उनकी जो चेस्ट मांगी गई है 77 से 82 होनी चाहिए, मतलब दोस्तों बिना फुलाए 77 फुला के 82, ठीक है। और जो भी फीमेल कैंडिडेट है, जो भी दोस्तों लड़कियां हैं इसमें, ठीक है, जो लड़कियां फॉर्म फिलअप कर रही हैं फिर उनकी जो भी हाइट मांगी गई है 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए जो भी ST से हैं, ठीक है। और जो भी अदर कास्ट से जैसे कि OBC SC जनरल, ठीक है, उनके लिए फ्रेंड्स इसमें हाइट दी गई है फीमेल्स के लिए 155 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप फिजिकल में आप देख रहे हैं अगर आप इन सब से आप अच्छी तरह परिपूर्ण हैं, ठीक है, आपके बिल्कुल फिट आप महसूस कर रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर सारी क्वालिटी हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप करें, अदरवाइज ना करें यार, ठीक है, क्योंकि फ़ायदा नहीं है दोस्तों, कुछ फ़ायदा नहीं है। आप फॉर्म फिलअप करोगे तो वैसे वापस आपको आना पड़ेगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी जो हाइट चेस्ट वेट कितना होना। हाँ दोस्तों वेट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों आपका वेट मिनिमम 50 होना चाहिए, 50 से कम होगा और नहीं चलेगा, 50 से ज़्यादा होगा वो चल जाएगा दोस्तों, लेकिन 50 से कम नहीं होना चाहिए। और दोस्तों आपका हाइट जो है मतलब कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच आपके में मिनिमम वेट मान लो 60 होना चाहिए, लेकिन दोस्तों आपका 50 तो होना ही चाहिए, ठीक है, मेरा बस इतना कहना है तुम्हें, मतलब आपको मोंटी बनता है कि 50 तो होना ही चाहिए। दोस्तों बात करते हैं रिटन टेस्ट के बारे में, आप देख रहे हैं रिटन टेस्ट टाइप। दोस्तों आपका जो पेपर होना OMR टाइप में होना है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, कंप्यूटर पेपर टाइप ऑब्जेक्ट टाइप में आपका पेपर होगा। दोस्तों टाइम की बात की जाए दोस्तों आपको 2 घंटे मिलेगा, ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपके 100 होंगे इसमें और टोटल मार्क्स दोस्तों 100 नंबर, ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा आपका इसमें। दोस्तों बात कर ली जाए सिलेबस के बारे में, सिलेबस कुछ ज़्यादा नहीं है दोस्तों इसका, इसमें आपसे जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल साइंस के एंड GK क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों इसमें आपसे, और अर्थमेटिक के, और दोस्तों जनरल इंग्लिश के एंड हिंदी के। फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जनरल इंग्लिश एंड हिंदी। दोस्तों अगर आपकी अच्छी इंग्लिश है या हिंदी है आपके मतलब आपके ऊपर डिपेंडेड करता है, आप इंग्लिश को सोल्व करो या हिंदी को सोल्व करो, आपके सामने 25 के 25 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलेंगे, 25 हिंदी के मिलेंगे, ठीक है, दोनों से आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, आपकी मर्जी है दोस्तों, आप इंग्लिश के करो हिंदी के करो, आपका जो से मतलब कि अच्छी है आपकी क्वालिटी अंदर आपको पता होगा कि आपको इंग्लिश में अच्छे हो या हिंदी में अच्छे हो तो आपको वो करनी है वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स बात की जाए परसेंटेज की, जो भी दोस्तों जनरल से हैं, ठीक है, जो भी एक्सर्विस मैन हैं उनको दोस्तों इसमें नंबर लेने 35, ठीक है, और जो भी दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं SC ST OBC से फ्रेंड्स उनको नंबर लेने हैं इसमें 33% ओनली, ठीक है।
और फ्रेंड नीचे देखिए दोस्तों, अगर इसमें आपकी बात की जाए दोस्तों टाइपिंग स्पीड के बारे में, स्किल टेस्ट नॉर्मल्स कौन कंप्यूटर है दोस्तों, आपकी जो इंग्लिश में टाइपिंग आपसे मांगी गई 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, हिंदी में दोस्तों आपकी इसमें होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। आपको उसमें टाइम दिया मिलेगा दोस्तों 10 मिनट्स का, 10 मिनट का आपको दोस्तों इंग्लिश में टाइम मिलेगा, 10 मिनट हिंदी में मिलेगा, आपकी मर्जी, आप हिंदी में करो इंग्लिश में करो वो मतलब आपके ऊपर डिपेंडेड है, ना कि उनके ऊपर है, ठीक है दोस्तों। आपकी मर्जी, आप इंग्लिश में करो हिंदी में करो, तो 10 मिनट में आपको 35 वर्ड पर मिनट लिखने पड़ेंगे, और हिंदी में दोस्तों 30 वर्ड पर मिनट आपको लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अप्लाई अगर की बात की जाए फ्रेंड्स, ये 3-4 दिन में फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। 21 तारीख से ये फ्रेंड्स फॉर्म आप फिलअप कर पाओगे, ठीक है, आराम से। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड मुझसे कोई भी न्यूज चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई पक्का दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाता ही रहता हूँ फ्रेंड। थैंक यू सो मच।